वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। और लॉकडाउन चल रहा है, घर के अंदर बंद है और सोचा कि कुछ व्लॉग शूट कर रहे थे पर इसी पीछे लॉकडाउन में कर रहे थे, तो हियर वी आर। आयुष एपिसोड उठेंगे, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज संडे, संडे की वजह से लेट उठे सो के और कल मतलब लेट सोए थे, कल एडिट कर रहा था अपना वीडियो क्योंकि मेरे को आज अपलोड करना था, टेक्निकली कल करना था लेकिन कल मैं कर नहीं पाया क्योंकि कल मेरा बिजी हो गया था, इस वजह से मैं कल एडिट करा था तो उसको आज करना, वो भी आज कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आज फिर से मेरे को करना है और अभी वो बाकी है थोड़ा सा उसमें काम। तो अभी मुझे 8 डेली रूटीन फॉलो करते हैं उसके बाद काम शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। इस ब्लॉग में ढेर सारा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम थोड़ा सा कुछ कुक करने वाले हैं, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया खाना खाने वाले हैं और तो आपसे बढ़िया बातें करने वाले हैं। जस्ट अ कॉमन ब्लॉग, आज डेली रूटीन देखेंगे छुट्टी और कैसा होता है। तो स्टार्ट करें, फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं उसके बाद डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। आजकल क्या है कि थोड़ा सा अपनी सेहत पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें मैंने वेट भी कम कर लिया है आपको दिखा होगा। तो चलिए बराबर से डेली रूटीन शुरू करते हैं और आगे की दिनचर्या। तो फिर थोड़ा सुबह सुबह हम लोग दूध वगैरह मंगा लेते हैं, तो देखते हैं आया है क्या। तो घर से बाहर एक कदम भी निकलने से पहले जरूरी है भाई, जरूरी है। पनीर, मिल्क, कर्ड और हमें काउ घी मंगाया है, ये पहली बार हमने ऑर्डर किया यहाँ से, जैसे कैसा टेस्ट होता है। तो फिर अगर आप अक्षय अल्फा से कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप बैंगलोर में रह रहे हैं, इनका दूध और दही वगैरह अच्छा है। दूध हमने पहले ट्राई किया है, दूध ऑलमोस्ट हम 1.5 वीक से यूज़ करें जैसे मैंने पहले बताया और टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैं उसका एक रेफरल लिंक नीचे डाल दूँगा, मेक श्योर आप वहाँ जाएँ, इनका ऐप है, लॉग इन करें, आपको फ्री सैम्पल्स भी मिलते हैं वहाँ पे टेस्ट करने के लिए, तो ट्राई करें। श्योर तो फिर अब आप रोज़ सुबह सौफ वाला पानी पिए, सौफ वाला पानी पीने से फैट बर्न होता है और इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह हमने शुरू किया, रात को भिगा के छोड़ दीजिए और सुबह पानी पी लीजिए, टेस्ट भी अच्छा है। हाँ सौफ तो वैसे भी लोग डाइजेशन के लिए खाना खाने के लिए खाते हैं और खाने में भी अगर आप सौफ डाल दें तो डाइजेशन अच्छा रहता है। अभी सो के उठे, बालों में मेथी और दही लगा है, दही जो एक्सपायर हो गई थी 2 महीना पहले, वो लगाई जा रही है 2 महीना पहले नहीं, 3 महीना 20 दिन था, 20 दिन तो एक्सपायर दही सर में तो लगा ही सकते हैं। अभी बालों में रिएक्शन हो रहा है और बाल 2-2 इंच बड़े हो रहे हैं, तो और बड़ा ही तो करना है। बैंगलोर का पानी थोड़ा सा गड़बड़ है, हम रूटीन पे लग जाते हैं। अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को हिम्मत बनाए रखें और घर के अंदर रहें, बाहर जाने अवॉइड करें, ये तो हर कोई बता रहा है। और बहुत ही ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, हो सके तो बाहर से सामान ऑर्डर कर लें, घर में आके उसको थोड़ी देर क्वारंटाइन कर दें 12 घंटे 14 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए, फिर उसको यूज़ करें। और अभी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री में, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें, इसीलिए स्पेशली हम जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, स्पेसिफिकली मेरे नीच वाले
ट्रैवल ब्लॉगिंग वाले, और जो कि फंस गए हैं और वी कैन नॉट ट्रैवल और हम कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट इज़ कि हम घर पे हैं, सेफ हैं, और जब भी टाइम मिलेगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोबारा से रोड पे जाएंगे, दोबारा से कंटेंट क्रिएट करेंगे, दोबारा से आपको एंटरटेन करेंगे। तब तक के लिए बेयर विद अस, ऐसे छोटे मोटे डेली ब्लॉग्स टाइप के ब्लॉग्स डालता रहूँगा, आप देखते रहिएगा और हमारे साथ कनेक्ट होते रहिएगा। और अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और हमसे कनेक्ट हो रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो नीचे जाके फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, साथ ही बेल आइकन होता है, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस तो पहुंचती रहे। चलिए डेली रूटीन जल्दी से ख़त्म करते हैं, आधे घंटे का जो है वॉक करते हैं और उसके बाद आगे की दिनचर्या शुरू करते हैं। आज कुछ स्पेशल है, कुछ घर में स्पेशल कुक करेंगे क्योंकि लॉकडाउन में कुकिंग और वर्किंग इसके सिवा कुछ और काम है नहीं। स्टे ट्यून्ड। एक्सरसाइज करने के बाद कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। तो अगर आपके पास सुबह तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी है, तांबे के लोटे में रखा हुआ, तांबे के जग में रखा हुआ पानी है वो पीजिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सुबह उठ के पीना चाहिए तो वैसे सबको ही पता होता है। चलिए अब फ्रेश हो जाते हैं, उसके आगे का कार्यक्रम करते हैं और जानते हैं आज क्या होने वाला है। तो फ्रेश व्रेश होने के बाद टाइम है ब्रेकफास्ट का, और थोड़ा सा आज ग्रूमिंग कर ली मैंने घर में, अच्छा लग रहा है। तुमने बहुत थोड़ी सी की, उसमें चाय और दलिया। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आज जो ब्लॉग मेरा आ रहा है उसकी एडिटिंग कर ली जाए फटाफट से, थोड़ा सा बाकी है फाइनल वो ख़त्म कर लिया जाए। उसको ख़त्म करने के बाद अपलोड पर लगा देंगे, उसको देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए करते रहिए करते रहिए। हो गया, वीडियो लाइव हो गई है, वीडियो अपलोड होगी, लाइव होगी, तो अगर आप नहीं देखिए तो फटाफट जाइए देख लीजिए पुरानी वाली वीडियो, मतलब जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तक वो पुरानी हो चुकी है लास्ट वाली वीडियो, तो इस वीडियो से लेटेस्ट वीडियो जो है वाली देख लीजिए। और अपन चलते हैं कुछ खाने के लिए बनाते हैं। वैसे लिट्टी चोखा बनाने का प्रोग्राम है तो आलू रखना है, आटा गूंदना है, दो काम मेरे को मेरे जिम्मे है, तो फटाफट करते हैं और बनाते हैं लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा हो चुका है रेडी और बहुत सही बना है, और हमने अवन में बनाया। तो फिर अवन में बनाने से क्या होता है कि एक तो हेल्दी बनता है, हाँ भाई ठीक है, थोड़ा हेल्दी बनता है, और आपको क्या है कि गैस वैस पे गैस गंदा नहीं होता, प्लस आपको कोयला वगैरह लगाने में नहीं पड़ता और टेस्टी भी अच्छा बनता है। तो रिव्यू ले लेते हैं। जी मैडम आराम से गर्म है, मैंने ही बनाया, बहुत शानदार। इसमें सबसे सही चोखा बना होगा, दाल चोखा सबसे अच्छा बना, मैं दाल बहुत टेस्टी है, ये चोखा अच्छा बना, चोखा भी अच्छा बना, दाल चोखा ही अच्छा बना क्योंकि चोखा मैंने बनाया। ओके देखते हैं, थोड़ा सा लेते हैं चोखा, थोड़ी सी दाल, अरे देसी खाने का मजा ऐसे ही है, कुछ दाल, थोड़ा सा चोखा और नहीं, मेरी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसलिए अलग से खाओ। दाल तो सही में टेस्टी बनी है, मिक्स दाल बनी है। वैसे इसके साथ कौन सी दाल बनती है? अरहर की। वैसे तो इसके साथ सिर्फ अरहर की दाल बनती है लेकिन हमने मिक्स दाल बनाई है, टेस्टी है। तब हम खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, आप भी बनाइए, आप भी खाइए और नीचे मुझे टैग कीजिए। खाने के बाद थोड़ा आराम किया हमने, आराम करने के बाद आज संडे है तो थोड़ा पैम्परिंग की जाए, तो आज हमारे पास है
मास्किंग, ये है टमाटो ग्लिंजिन और चारकोल, ये कौन सी कंपनी का है? मास्किंग, दीवा मास्किंग कंपनी का है, ये कौन सा तो नहीं है, हमने खरीदा है। तो चलिए इसको लगाते हैं, पहले आयुषी लगाएगी फिर मैं। चारकोल वाला तो ये ठीक से लगा दिया मैंने, ना कि फिश को ठंडा किया। चाय बन रही है और ये जो सुबह से बताया जा रहा है आज कुछ स्पेशल होगा, आज कुछ स्पेशल होगा, इसके लिए मटर उबल रही है। ये बिहाइंड द सीन से जब अच्छा खाना बनेगा तो बर्तन वही साफ करने पड़ेगा। मटर चाट, ये पानी पूरी का पानी का मिक्सिंग सारा जितना होता है वो हो गया, अभी इसमें ठंडा ठंडा पानी मिलाएंगे। ये चटनी, मीठा पानी पूरी खाने के लिए ये नमकीन पानी पूरी। आ गया है गोलगप्पे खाने का, होममेड गोलगप्पे, गोलगप्पे और ये मटर वाली चाट, पूरी आलू सुबह वाले ही हैं और प्याज। खाएंगे मस्त गोलगप्पे और आपको दिखाएंगे। खा के बताओ। कैसा है? बढ़िया बना है। मस्त बाहर वाला टेस्ट आ रहा है, जल्दी से खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। फिर लिट्टी चोखा वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, साथ ही हमने पानी पूरी बनाया शाम को, बहुत खा लिया, पेट भर गया हुआ है। तो अब वीडियो में ही ख़त्म करते हैं, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ और यहाँ तक आपने वीडियो देख भी लिया है तो फटाफट से नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। फिलहाल तो लॉकडाउन है तो ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, आपको हंसते मुस्कुराते फिर देखते रहिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सी यू इन अनदर ब्लॉग।